बाड़मेर जिले की पंचायत समिति बायतू की ग्राम पंचायत निम्बानियों की रानी के सरपंच श्रीमती गौरी देवी जिनके प्रतिनिधि पेमा राम ने आरपीडी न्यूज के माध्यम से बताया कि पंचायत की समस्याओं का समाधान करवाना और पंचायत में अधिक से अधिक विकास ही हमारा प्रयास रहेगा। तो आइए जानते हैं किशन सोलंकी के साथ विशेष मुलाकात में समाज सेवी पेमा राम के अपनी पंचायत में विकास और समस्याओं के प्रति विचारों को। आरपीडी न्यूज से किशन सोलंकी, हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत निमाणियों की धाणी, जिनसे जो अभी वर्तमान सरपंच है नव निर्वाचित गौरी देवी, जो पूर्व विधायक है बाड़मेर के तगाराम जी चौधरी, उनके घर से और उनके साथ ही उनके जो समाज सेवी है और कार्यकर्ता है उनके सपोत्र पेमा राम जी, उनसे रूबरू होते हैं और बातचीत करते हैं कि उनके से क्या मुद्दे और क्या मसले थे जिनको लेके उन्होंने अपनी दादी जी को चुनाव मैदान में उतारा और अच्छे वोटों से लोगों ने विजय बनाई और लोगों का अच्छा तालमेल रहा, अच्छा व्यवहार रहा इनके साथ। और पूर्व में इनके दादाजी थे जो बाड़मेर जिले के विधायक रहे हुए हैं। तो आइए मिलते हैं अपन पेमा राम जी से। तो पेमा राम जी नमस्कार। नमस्कार। तो पेमा राम जी, आपने जो अपने दादी जी को चुनाव मैदान में उतारा और लोगों ने अच्छे वोटों से इनकी विजय हुई है, तो ऐसे क्या विकास के कार्य जो मुद्दे थे क्या थे जिनको लेकर आप चुनाव मैदान में आए और आज उन उस विकास को आप प्राथमिकता दे रहे हैं, पहली प्राथमिकता? सर, सबसे बड़ी बात ये, सबसे बड़े मुद्दे तो यहाँ पे जल के थे। जी, जल की समस्या बहुत ज्यादा थी। जी, वैसे हमारे निमाणियों की ढाणी में जल की समस्या पहले बहुत ज्यादा थी, अब तो काफी समस्या का सॉल्व हो चुका है, घर घर पाइपलाइन भी हो चुकी है। जी, उसके बाद तो जैसे सड़कों की बहुत ज्यादा लोगों को समस्या थी। बिल्कुल, वैसे सड़कों की समस्या का समाधान चल रहा है काफी, तो हमने मतलब कर चुके हैं जी, बाकी कुछ करने की तैयारी में है। और बाकी जो लोगों के मुक्का विकास के मुद्दे थे जी, उस पर हम खरा उतरेंगे, खरा उतरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जी, और जितनी हमसे कोशिश होगी जी उतने हम मतलब अच्छी तरीके से लोगों जनता का जो हमारे ऊपर खरा विश्वास जताया था, बिल्कुल उस पर हम खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे जी, और जनता का पूरे से पूरा जितना काम होगा उतना काम करेंगे जी। जी, बहुत ही अच्छा सुझाव है पेमा राम जी आपका कि जनता ने, जनता से हमने जो चुनाव से पहले जो वादे किए थे उस पर हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे और जनता का विश्वास है उसको हम कायम रखेंगे। बहुत ही बढ़िया सुझाव। तो पेयजल की बहुत ही मान लो गहरा संकट है यार, तो पेयजल के लिए अभी आपने वर्तमान में क्या व्यवस्था करवाई और क्या चल रहा है पेयजल के लिए, प्रोसेस क्या है? सर, अभी पेयजल के लिए वैसे तो घर घर पाइपलाइन मतलब हो रखी है जी, माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी जी के प्रयासों से पिछले MLA के टाइम में 4 करोड़ रुपए सेक्शन करवाए थे जी, उस टाइम हमने घर घर पाइपलाइन तो हो रखी है जी, बाकी अभी थोड़ी जल की समस्या चल रही है तो उनका हम मतलब पूरी कोशिश कर रहे हैं जी, और बाकी जिन घरों में पाइपलाइन नहीं गई है उसको हम हमारी पंचायत के द्वारा जोड़ेंगे जी, जिसको अभी प्लान में लिया हुआ है। बिल्कुल, जैसे और भी सरपंच साहब ये बताइए कि और भी कोई जैसे सीसी सड़कों के या ग्रेवल सड़कों का ऐसा कोई निर्माण जो अभी वर्तमान में चल रहा हो और आपने सरपंच पद आने के पद पे आने के बाद क्या क्या करवाया, ऐसे 2-4 काम जो भी है बताइए। अभी सर, हम सरपंच बनने के बाद एक सड़क की समस्या थी जो भादुओं की डाणी से बांबों की डाणी होती हुई जी कौखेड़ा तक, वो हमने सड़क बनवाई है 5.5 किलोमीटर की जी, और उनसे आगे 1-3 किलोमीटर की और सड़क बनवाई है जी, और माड़ीपुरा पुराना गांव के अंदर 2 सड़कें और बनवाई है जी, और निम्बाणिया की ढाणी में भी हमारा सड़क का काम अभी चालू है जी। जी, और बाकी ग्राम पंचायत में टाके का काम चल रहा है जी। जी, सामान्य का काम बिल्कुल, औदियों की खेलियों बनवाने का जी, बाउंड्रियों का जी, टेन साइड का काफी काम चल रहा है वर्तमान समय में। तो जैसे पेमा राम जी ये बताइए कि राजस्थान के अंदर किस रूप में आप अपनी ग्राम पंचायत को देखना चाहते हैं, इस कार्यकाल राजस्थान में किस रूप की ग्राम पंचायत बनाना चाहते हैं? सर, राजस्थान में हमारे बाड़मेर जिले में टॉप नंबर 1 पे निमाणी प्राणी को पंचायत मतलब बनाना चाहते हैं जी। जैसे
आदर्श ग्राम पंचायत, आदर्श ग्राम पंचायत नाम से जानी जाए निम्बाणिया की डाणी। जी पहले हमारे स्वर्गीय दादाजी तगाराम जी का भी यही सपना था जी, जितना हो सके उतना निम्बाणिया की डाणी में एक नंबर का विकास हो, सबसे ज्यादा उस पर हम खरा उतर रहे हैं, पूरे जनता के लिए काम तय दिल से लगे हुए। जी जी, ये शिक्षा का क्षेत्र कैसा है और शिक्षा के क्षेत्र में आपके क्या रुझान रहेंगे कि ग्राम पंचायत में विद्यालय है और शिक्षा के प्रति और लोगों को जागरूक करेंगे या कैसे इनके लिए क्या रुझान रहेंगे थोड़ा ये बताइए। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे निम्बाणिया गिराणी बारहवीं सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जी, उसमें काफी स्ट्रेंथ भी है जी, पढ़ाई भी अच्छी चल रही है जी, और हमारे ग्राम पंचायत निम्बाणिया गिराणी में तो इतनी स्कूल है, इतनी कोई ग्राम पंचायत में है भी नहीं जी, और शिक्षा के क्षेत्र में हम जितना हो सके उतना मतलब आगे की कोशिश करेंगे जी, और भी जो हमसे होगा वो पूरा प्रयास करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के लिए। तो सर जैसे शिक्षा के क्षेत्र में आपने बताया कि निम्बाणिया गिराणी बहुत ही टॉप पे चल रही है और अच्छे स्कूल है, बढ़िया व्यवस्था शिक्षा की, तो अभी जैसे सरपंच पद पे आने के बाद में आपने कोई विद्यालय का जैसे निरीक्षण वगैरह किया या कोई स्टाफ की कमी आपको कहीं चार दीवारी विद्यालय में किसी प्रकार की कक्षा कक्ष की कोई कमी नजर आई? विद्यालय में कक्षा कक्ष की फिलहाल तो कोई कमी नहीं है जी, और स्टाफ पूरा है जी, स्टाफ की कोई कमी नहीं है, स्टाफ निरंतर टाइम पे समय पे आते हैं जी, और अच्छी तरीके से बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं जी, और अभी चल रहा है 2-3 हॉल का निर्माण का काम आगे चालू करवाएंगे जी जी, बाकी स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में निम्बाणिया गिराणी में कोई कमी है नहीं। जी जी, बहुत ही बढ़िया सुझाव रहा पेमाराम जी आपका शिक्षा के प्रति। तो सर बात करते हैं, राज में आपका एक परिवार है जो काफी लंबे समय से जुड़ा हुआ है और राजनीति में जुड़ा हुआ है, तो पंचायत राज की बात करते हैं, तो पंचायत राज में सर आपने अक्सर देखा होगा कि मान लो आप मीडिया के मार्फत से न्यूज़पेपर कहीं भी किसी की मार्फत से सोशल मीडिया से, आजकल सोशल मीडिया का ज्यादा क्रेज है, तो इसके मार्फत से भी देखा होगा कि पंचायत राज में एक भ्रष्टाचार का नाम अक्सर बहुत ही बड़ी हेडलाइन में आता है, तो भ्रष्टाचार मुक्त करवाने के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे ये बताइए। सर भ्रष्टाचार मुक्त करवाने के लिए तो हम जो ये भ्रष्टाचारी मतलब है उनके प्रति जितनी कार्रवाई होगी बिल्कुल हम लोगों के साथ खड़ा रहेंगे जी, जो गवर्नमेंट कर्मचारी है वो गलत कुछ करेंगे तो उस मतलब जनता के साथ में रह के भ्रष्टाचार खत्म करने का पूरा प्रयास करेंगे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सुझाव है कि भ्रष्टाचार मुक्त ग्राम पंचायत बनाना इनका मुख्य उद्देश्य रहेगा। तो जैसे सर अभी हमारे देश में पूरे देश भारत देश में पूरे में जैसे कोरोना जैसी एक महामारी चल रही है और उस कोरोना महामारी से बहुत ही बड़ा मान लो नुकसान है हमारे देश को और जनता को, तो उस कोरोना महामारी के बचाव के लिए आप अपनी ग्राम पंचायत और क्षेत्रवासियों जनता क्या संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्रवासियों ग्रामवासियों को हम तो यही कहना चाहते हैं, वैसे अभी तो पहले एक बार तो कोरोना खत्म हो चुका था, वापस उसने दूसरा रूप चालू कर दिया है बिल्कुल, तो अभी घर में रहे और सुरक्षित रहेंगे, बाकी जो हमने कोरोना के अंदर गांव में सैनिटाइज वगैरह जिसके खाने पीने का अनाज नहीं था उसको अनाज की व्यवस्था जी काफी व्यवस्था की थी, जितनी हमसे अलग हुई थी उतनी की थी और भी आगे करेंगे जी जी, बहुत ही बढ़िया। तो सर आगे जैसे होली का त्यौहार आ रहा है पावन पर्व, होली के पावन पर्व पे हम तो यही क्षेत्रवासियों को और कहना चाहते हैं रंगों से होली नहीं मनाए, ये बाहर के चीनी आइटम है जी, और आरपीटी न्यूज के अंदर जो आपने हमें समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी शुक्रिया और धन्यवाद।